वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का ड्रामा रिवेंज से भरा हुआ है, जिसमें लव का भी एक अलग ही तड़का लगने वाला है। दोस्तों आज के ड्रामा में हमारी मेनली टाइम ट्रैवल करके अपने पुराने टाइम में जाकर अपनी रूट फैमिली से उसके साथ किए गए बर्ताव और धोखे का बदला लेती है। लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया, आखिरकार इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, साथ ही हमारे हैंडसम हीरो का क्या रोल होने वाला है, इसमें जाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वेल तो कहानी के स्टार्टिंग में हम कहानी की मेन लीड हान ही जून को एक पेंटिंग करते हुए देखते हैं। पेंटिंग देखकर पता चलता है कि ये उसकी फैमिली की पेंटिंग है और साथ ही साथ हान ही मैरिड भी है और उसके हस्बैंड का नाम हियोक है। हान ही फिर अपने काम में मग्न होती है कि तभी उसकी मदर इन लॉ आकर उसे जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाली थी। हान ही जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं, लेकिन गलती से उसकी उंगली कट जाती है, जिसे देखकर उसकी केयर करने के बजाय उसकी मदर इन लॉ उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है, जिसके बाद फिर उनका मुँह बंद करने के लिए हान ही ने तो उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड ही पकड़ा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उसकी मदर इन लॉ बहुत लालची है और पैसे से ही उनका मुँह बंद किया जा सकता है। जिसके बाद उसकी मदर इन लॉ कहती है कि सियो की जॉब तुम अपने डैड की कंपनी में लगवा लो, क्योंकि तुम्हारी बहन यूरा की शादी सियो की कंपनी के बॉस डॉयुक से जो होने वाली है, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो उसके नीचे काम करे। ये सुनते ही हानी सियो को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। हानी जैसे ही अपने घर में पहुँचती है अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि उसका कॉल इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करके पूछती है, तो उसे पता लगता है कि आज एक सोशल पार्टी में सब लोग गए हुए हैं और उसे ये बात किसी ने बताई तक नहीं थी। वो फिर सीईओ के ऑफिस कॉल करके उसके बारे में पूछती, तो उसे ये पता लगता है कि वो तो कंपनी पहले ही छोड़ चुका है और ये बात भी उसे नहीं पता थी, जिसका उसे काफी बुरा लगता है कि आखिर उसे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है। सीईओ को वो फोन लगाती है, वो भी उसका फोन काट देता है, क्योंकि वो उसकी बहन यूरा का इंटरव्यू शूट करने में जो बिजी था। यूरा उसे वीडियो के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। सियोक को यहाँ पर देखने से साफ पता लग रहा था दोस्तों कि उसे अपनी वाइफ से ज्यादा उसकी बहन में इंटरेस्ट है। हानी भी यहाँ पर पार्टी में पहुंचकर सियोक का हाथ पकड़ लेती है। सियोक उसे कहता है कि वो पार्टी खत्म होने के बाद उसे कुछ बताएगा। हानी को लगता है कि वो उसे कुछ गिफ्ट या सरप्राइज देने वाला है, इसलिए वो काफी खुश हो जाती है। फिर हानी की माँ की उसकी पेंटिंग देखकर उसकी बुराई करने लग जाती है। हानी उन्हें बताती है कि हमारे साथ में कोई भी फोटो नहीं है और इसलिए ये पेंटिंग बनाई है। ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा था दोस्तों, क्योंकि असल में हानी इस फैमिली की एक अडॉप्टेड बेटी थी और इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। माँ के जाने के बाद एक लेडी उसे पेंटिंग की तारीफ करने लग जाती है। ये सुनकर उसकी माँ तो अच्छा बनने का नाटक करने लगती है, जैसे कि उन्हें हानी की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन वो तो बस उसका यूज करना चाहती थी। जिसके कुछ देर बाद ही कहानी के हीरो डॉयुक की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम था और साथ ही उसे हानी की पेंटिंग भी काफी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर यूरा उसके पास आ जाती है और देखती है कि डॉयुक हानी को देख रहा है, और इसलिए वो सहयोग से हानी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए बोलती है, लेकिन सहयोग ऐसा नहीं करता है। कि तभी एक फ्लैशबैक से गाइस हमें ये पता चलता है हानी बारिश में फंस गई थी और सहयोग उसके पास आया था। उसने सहयोग से कहा था कि अगर वो वहाँ पर आएगा तो वो समझ जाएगी कि वो उससे प्यार करता है। कोइंसिडेंटली सहयोग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे कि वो समझती कि उसे सच में उसे प्यार है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पेंटिंग देखकर डॉयुक सियोक के हैंडसम होने की तारीफ करता है, तो यूरा सियोक का हाथ पकड़ कर कहने लग जाती है कि हाँ मेरे ब्रदर इन लॉ तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हानी को ये सब कुछ देखकर थोड़ा अजीब लगता है और वो बाथरूम में जाकर उसके बारे में सोचने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो डॉयुक उसे मिल जाता है, जो कि अपनी दादी को देखने के लिए जा रहा था। हानी उसे यूरा के साथ जाने को कहती है, क्योंकि उनकी जल्दी शादी जो होने वाली थी। डॉयुक फिर उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि सच्चाई तुम्हें दिखाई दे। हानी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से चली जाती है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से डॉयुक उसे देखता है, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ी है, और शायद आप भी समझ ही गए होंगे। वेल तो फिर हानी वापस आती है, वो देखती है कि सियोक उसकी बहन के साथ में कितना खुश है। ये देखकर वो डॉयुक की कई बातों को सोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में एक पेंटिंग की बोली लगाई जा रही थी, जिसे एक लेडी 4 बिलियन देकर खरीद लेती है, और फिर माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये पेंटिंग तो फेक है, जिसे तुम्हारी बेटी ने कॉपी किया है। कि तभी मैनेजर के आइडिया देने पर उसकी माँ सारा इल्जाम हानी पर ही लगा देती है कि ये पेंटिंग तो इसने कॉपी की है। ये देखकर सियोक उसके बजाय यूरा का हाल पूछने लग जाता है कि क्या वो ठीक है।
ये देखते ही यूरा उसे कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से ये रेपुटेशन बनाई थी। सियोक भी उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और उसकी केयर भी करने लग जाता है और ये बात हानि भी सुन लेती है। सियोक फिर उसे डाइवोर्स पेपर्स देते हुए कहता है कि वो तो पार्टी के बाद उसे यही बताने वाला था। ये देखकर हानि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक ट्रक के साथ बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हानि को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी सर्जरी के बाद उसकी माँ उसे मिलने के लिए आई थी और उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन को बंद करके उसे कहती है कि अगर उसे दूसरा जन्म भी मिले तो वो ज्यादा अच्छी ना बने, और ये बात हानि सुन रही थी। जिसके बाद मैनेजर उसकी बात चेयरमैन यानी कि उसके दादाजी से करवाता है। उन्होंने हानि से क्या कहा ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा दोस्तों। जिसके बाद हानि की सांसें तो थम जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है यूरा को अपने सामने देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसे ये एक पूरा सपना लगता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर वो अपने फोन में रिसेंट ईयर देखती है जो कि 2022 था और उसके हाथ पर 2023 लिखा था, यानी कि हानि एक साल पीछे पास्ट में आ गई थी और उसे अपने साथ हुई सारी बातें याद थी। नेक्स्ट सीन में हानि और सियो की शादी हो रही होती है, लेकिन वो ये शादी तोड़ देती है क्योंकि अब उसे सब कुछ मालूम ही था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सियो भी उसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था ताकि वो यूरा की क्लोज जा सके, और वो फ्लावर सियो के मुंह पर फेंक कर मारते हुए कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि यूरा से प्यार करते हो। ये सब कुछ देख कर तो सियो काफी शॉक हो जाता है और उसकी माँ से थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो हानि को समझा सके, और इसलिए वो हानि से बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार अचानक से उसने शादी क्यों तोड़ दी। हानि फिर उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं बल्कि यूरा से प्यार करते हो, और ये सुनकर तो सियोक उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसकी फैमिली पर बहुत कर्जा है उसके पापा की वजह से और इसलिए वो उससे शादी कर ले ऐसी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हानि पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वही यूरा माँ से कहती है कि अगर हानि शादी नहीं कर रही है तो क्या मैं पहले डॉयक से शादी कर सकती हूँ क्योंकि मैं उन्हें काफी पसंद करती हूँ और इसलिए उन्हें जल्द ही अपना बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ तो काफी खुश हो जाती है और ये बात हानि भी सुन लेती है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि अब इन माँ बेटी को तो अच्छे से सबक सिखा के रहूंगी। यानी कि दोस्तों अब वो डॉयुक से शादी करने का फैसला कर लेती है और अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड से डॉयुक के बारे में सब कुछ पता लगवा लेती है कि वो एक रिच और हैंडसम मैन है और उसकी दादी बहुत खड़ूस है, और साथ ही वो नेक्स्ट डे यूरा से मिलने वाला है। नेक्स्ट डे हानि यूरा से पहले ही डॉयुक से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां डॉयुक को देखकर पता लगता है कि वो हानि को पहले से ही जानता था कि वो यूरा की सिस्टर है और सियो की फियांसे है। हानि भी फिर उसे बता देती है कि वो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है और सियो से वो शादी तोड़ चुकी है। सीधा ही वो अपनी बात रखती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। डॉयक उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है कि जैसा हानि के बारे में उसने सुना है वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो और मैं तुमसे शादी क्यों करूं। हानि उसे उससे पहले कुछ कहते कि यूरा वहां पे आ जाती है, जिसे देखकर डॉयक उसे इग्नोर कर देता है कि तभी हानि उसे एक रूम में लेकर जाती है और ये देखकर यूरा को तो आग ही लग जाती है कि आखिरकार ये लोग अकेले रूम में क्या कर रहे होंगे। हानि फिर रूम में जाकर डॉयक को वाइन देती है और कहती है कि तुम रिच हो और शक्ल भी तुम्हारी ठीक ठाक ही है, लेकिन मैं शादी के बदले तुम्हें अच्छा खासा बिजनेस प्रपोजल दे सकती हूँ। और फिर थोड़ी बहुत बातें डॉयक की कंपनी के बारे में भी उसे बताती हैं जो कि कोई भी नहीं जानता था, और फिर वो उसे कहती है कि शादी के बाद वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे और फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। हानि की ये स्ट्रेंज पर्सनालिटी डॉयक को काफी अच्छी लगती है और उसकी बातें भी उसे काफी अच्छी लग रही थी, और इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरा तो सियो के पास जाकर रोने लग जाती है और डॉयक से उसकी बात कराने को कहती है। उसकी आंसू देखकर सियो को हानि पर तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ हानि ज्यादा ड्रंक हो जाती है और डॉयक को कहने लग जाती है कि मैं अपना बदला लेने के लिए मरकर वापस आई हूँ। नेक्स्ट डे जब हानि उठती है तो डॉयक उसके बगल में सोया हुआ होता है, तो वो उसे वहाँ पर छोड़कर अपने घर पहुँचती है जहाँ सियोक उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो तो उसे सीधा इग्नोर मारकर अंदर चली जाती है जहाँ उसकी माँ उसका वेलकम थप्पड़ के साथ करती है। साथ ही बोलती है कि यूरा के मंगेतर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम। हानि फिर सबको बताती है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो कि मुझसे प्यार करे, और सियोक मुझसे नहीं बल्कि यूरा से प्यार करता है और इसलिए मैं डॉयक से शादी करूंगी। और साथ ही मैं आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग रात में साथ में थे।
ये सुनते ही यूरा तो जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसके बाद दोस्तों उसकी माँ हानी को पनिशमेंट देने के लिए एक रूम में बंद कर देती है। और ये कोई नई बात नहीं थी, वो तो बचपन से ही उसके साथ ऐसा करती आ रही थी। जिसके बाद हानी अपने फोन में चेक करती है, जहाँ पर सोशल मीडिया तो ठंडा पड़ा था, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से उसकी और टॉयो की फोटो वायरल करने को जो कहा था। लेकिन वही ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि तभी मैनेजर आकर उसका फोन छीन लेता है। नेक्स्ट डे फिर हानी की माँ आकर उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने डॉयक को फोन किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि वो बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहता था। तुम्हारे जैसी लड़की उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, और तो और वो तुम्हें यहाँ पर कभी बचाने भी नहीं आएगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो डॉयक वहीं खड़ा था। उनकी तो बोलती बंद हो जाती है, जिससे कि दोस्तों ये पता लगता है कि एक बच्चे का फोन लेकर उसने डॉयक को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था, जिसके बदले वो उन्हें स्टॉक रिलेटेड कुछ बताएगी। नेक्स्ट डे फिर डॉयक पहुंच जाता है और उसके डैड से साफ साफ बोल देता है कि वो हानी को लाइक करता है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुनकर तो हानी के डैड रेडी हो जाते हैं, लेकिन यूरा उससे पूछती है तो क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और इसलिए हानी ने सियोक से शादी तोड़ दी है। तो डॉयक उसे बताता है कि नहीं, हम तो पहली बार कल ही मिले थे और मुझे ये काफी पसंद आ गई। ये सुनकर तो यूरा वहाँ से चुपचाप जली ही जाती है। डॉयक फिर हानी को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है कि वो अब से मेरे साथ ही रहेगी, साथ ही उसने उसकी माँ से उसका फोन भी ले लिया था। बाहर आकर वो हानी से खाने के लिए पूछता है तो हानी उसे बताती है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाता है जहाँ का खाना तो हानी से खपता ही नहीं है। और जब उसका कारण पूछे तो वो बताती है कि उसने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही स्टोर से लेकर ही खाना खाती थी। जिसके बाद डॉयक उसे वो खाना लाकर देता है और उससे पूछता है कि वो बाहर से खाना क्यों खाती है। तो वो बताती है कि मेरी फैमिली ने आज तक मुझे कभी पसंद नहीं किया और इसीलिए उन्होंने मेरे खाने में एक दिन जहर मिला दिया था, जिसके बाद से ही मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए मैं तुमसे शादी करके अपना रिवेंज लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुम यूरा को काफी पसंद हो। जब तुम उसे मिलोगे ही नहीं तो वो बहुत रोएगी और उसे रोता देखकर सियोक रोएगा और साथ ही उसकी माँ भी रोएगी, जिससे कि मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ये सब को सुनकर डॉयक उसे कहता है कि मैं तो बस यही सुनना चाहता था। जिसके बाद वो उसे फ्लावर रिंग पहना कर शादी के लिए प्रपोज करता है और बदले में कुछ मांगता है। हानी उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो डॉयक उसे क्लोज करके उसे किस ही कर लेता है। नेक्स्ट डे फिर हानी की फ्रेंड उसे सोशल मीडिया चेक करने के लिए बोलती है, जहां हानी देखती है कि उसकी और डॉयक की किस वाली फोटोज वायरल हो रही थी। जिसके बाद वो डॉयक से पूछती है तो वो तो साफ ही इनकार करने लग जाता है कि मैंने तो भाई ये नहीं किया। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी जे को हानी को लेने के लिए भेजता है, जिसे देखते ही हानी डर जाती है और डॉयक को कॉल करती है। वो उसे बताता है कि वो मेरा ही सेक्रेटरी है, डरो मत। और जैसे ही हानी फिर उसके साथ घर पहुंचती है तो डॉयक को खाना बनाते हुए देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दोस्तों वो उसे पूछती है कि तुमने फोटोज क्यों वायरल करवाई। डॉयक फिर यहाँ पर मान ही लेता है कि हाँ, ये सब कुछ उसने ही किया है और उसे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, जिसे देखकर हानी कहती है कि इसके लिए तो हमें हमारे पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। डॉयक के हाँ बोलते ही दोनों उस पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद डॉयक उसे अपने घर पर रहने को कहता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे अच्छे से रहने ही नहीं देती थी और उसे उसका रूम दिखाता है। साथ ही वो उसे चाबियां देकर कहता है कि अब से ये तुम्हारा ही घर है। हानी उससे पूछती है कि क्या मैं सच में यहाँ पर रह सकती हूँ, तो डॉयक कहता है कि हाँ, क्योंकि अब से तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ और इससे पेरेंट्स की परमिशन मिलने में भी मदद होगी। वहीं दूसरी तरफ यूरा सियोक की बहन के महंगे गिफ्ट देखकर उसे पटाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर तभी डॉयक की बहन डोसा नाकर यूरा से उसकी बहन के बारे में पूछती है। तो यूरा कहती है कि मेरी बहन दिमाग से थोड़ी पागल हो गई है। जिसके बाद शान भी हंसते हुए कहती है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, मैं तो खुद ही उससे मिलकर उसके बारे में सब कुछ जान लूंगी। वहीं दूसरी तरफ सियोक की माँ हानी को रास्ते में रखकर उसे परेशान करने लग जाती है कि वो सियोक से शादी कर ले, लेकिन हानी उसके लिए साफ साफ इनकार करने लगती है, जिससे कि वो तो उसे गुस्से में मारने लगती है और खुद जमीन पर गिर जाती है कि तभी सियोक की सिस्टर आकर हानी पर उन्हें मारने का इल्जाम लगाती है। मैनेजर भी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिससे कैसे ये पता लगता है कि ये सब कुछ करने के लिए उन्हें हानी की माँ ने ही कहा था। वेल, तो फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉयक की माँ को उनकी कुकिंग क्लासेस में कुछ लेडीज से लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो लेडीज डॉयक के बारे में काफी भला बुरा बोल रही थी कि तभी वहाँ पर हानी आ जाती है। डॉयक की माँ उसे कॉफी ऑफर करती है, जहाँ पर हानी देखती है कि यूरा डॉयक की माँ को मस्का लगाने के लिए पहले से ही खड़ी थी। डॉयक की माँ हानी को फिर पीछे हटने को कहती है कि वो डॉयक को छोड़ दे, लेकिन हानी इसके लिए साफ इनकार करती है। तभी माँ बोलती है कि तुम्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है।
जिसके बाद दोस्तों तभी कोई पीछे से बोलता है कि वो तो आपको भी नहीं है और वो डायक ही था। माँ फिर हानी से कहती है कि तुमने यहाँ पर इसे क्यों बुलाया है, तो डायक उन्हें बताता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर आपको लेने के लिए आया था, लेकिन अब मैं हानी को लेकर जा रहा हूँ। और तो और आपकी भी तो लव मैरिज हुई थी ना, तो माँ बोलती है क्योंकि मैं बहुत सुंदर ज्योति। फिर वो हानी से पूछती है कि सिटी की हर लड़की मेरे डायक के पीछे पड़ी है, सो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम उससे शादी करना चाहती हो, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? तो हानी कहती है कि हाँ, सोयुक से जब मुझे धोखा मिला था तब मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा प्यार नहीं करूंगी, लेकिन डायक को देखकर मुझे ये पता लग गया है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। ये बोलते ही डायक फिर हानी को अपने घर ले आता है, साथ ही वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो बेटर यही होगा कि हम सबको यही बताएं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए शादी करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक लड़का लड़की दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी को कोई रोक ही नहीं सकता, और इसके बाद फैमिली भी परमिशन दे ही देती है। हानी भी सोचने लग जाती है कि हमें अब लव की एक्टिंग करनी होगी, जहाँ पर फिर तभी डायक उसे आई लव यू बोलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि ये तो अपने दिल से कह रहा था, जिसे सुनते ही अपनी हीरोइन के साथ साथ मैं भी काफी शॉक हो गई थी, क्योंकि डायक ने हानी से कहा था कि मैं तुम्हें कब से और कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम तो ये जानते ही नहीं हो। वेल तो फिर रात को हानी को नींद नहीं आती है, तो वो डायक के पास आकर देखती है जहाँ डायक सोते हुए कोई सपना देख रहा था और वो काफी ज्यादा परेशानी में कुछ बड़बड़ा भी रहा था। हानी फिर उसके क्लोज आकर सुनने की कोशिश करती है और बहुत ही शर्मा जाती है। हानी ने अब क्या सुना और वो क्यों शर्माए ये तो भाई वही जानती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे डायक की माँ जब हानी को उसके साथ देखती है तो पूछती है कि क्या ये सारी रात आराम से सोया था, तो हानी हाँ बोलती है। तो ये बात उसकी माँ को काफी शॉकिंग लगती है, क्योंकि वो बहुत सालों से रात को अच्छे से सोया ही नहीं था। जिसके बाद दोस्तों वो हानी को बाहर लाकर उसे फैमिली मीटिंग करने को कहती है और डायक को नाम बताने के लिए बोलती है। हानी को भी फिर याद आता है कि ग्रैंडफादर ने उसे क्या कहा था। ग्रैंडफादर ने उसे माफी मांगते हुए कहा था कि वो उसे वो खुशी नहीं दे पाए जो उसे मिलनी चाहिए थी, और इसलिए वो उसे माफ कर दे। हानी भी फिर अपने दादाजी से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे वो खुशी मिल गई है और मैंने आपको माफ भी कर दिया है। ये सुनकर वो हानी को रोते हुए हग कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में डायक की फैमिली हानी की फैमिली से मिलने के लिए आती है। हानी की माँ उन्हें कहती है कि आखिरकार आप एक अडॉप्टेड लड़की को बहू क्यों बनाना चाहते हैं, तो डायक की माँ कहती है कि हाँ हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हानी की माँ उन्हें कहती है कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है और ये आपके घर को कैसे संभालेगी, लेकिन डायक कहता है कि चाहे जो भी हो शादी तो मैं हानी से ही करूँगा। हानी भी फिर एक पेंटिंग लेकर आती है और बताती है कि मैंने इसे फेमस पेंटिंग से कॉपी किया है, जो काम मेरी माँ बहुत ही अच्छे से करती है, और इसे दादी को पकड़ा देती है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। हानी की माँ उसे पूछती है कि ये तो मैंने सेल कर दी थी ना, तो तुम्हारे पास कैसे आई? तो वो बता देती है कि मैंने इसे खरीदने वाले को फंड देकर वापस ले लिया था। ये सुनकर वो मैनेजर को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमसे एक गैलरी भी नहीं संभाली जाती है। हानी आखिरकार ये सब कुछ क्या कर रही है, तुम कुछ जानते भी हो? और ये सारी बातें सोयुक भी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में डायक की माँ सबको बताती है कि उन्हें हानी की माँ का बर्ताव हानी के लिए कुछ ठीक नहीं लगता, कि तभी दोस्त एक फ्लैशबैक से पता लगता है कि डायक की माँ ने हानी के सामने ये वाली कंडीशन रखी थी कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए वो डायक को वापस से तेजा ग्रुप को ज्वाइन करवाएगी। हानी को भी अपनी फ्रेंड से ये पता लग गया था कि डायक की दादी ने कंपनी तो उसे ही देनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो कंपनी छोड़ दी थी और अपनी नई कंपनी खोल ली थी। वहीं दूसरी तरफ डायक सेयुक से हानी के बारे में पूछता है, तो सेयुक उसे कहता है कि मुझे बहुत टाइम से ही वो लाइक करती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपका बस यूज कर रही है। तो डायक उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं यूज होना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, वो मेरी होने वाली वाइफ है और उसकी केयर और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, और इसलिए आगे से उसका नाम थोड़ा सोच समझ कर लेना। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हानी अपना सारा सामान लेकर डायक के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन बाहर ही उसे सेयुक मिल जाता है और डायक की बुराई करने लग जाता है कि वो बंदा तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। और लेकिन दोस्तों हानी पर तो उसका कोई भी असर नहीं होता है, तो वो उसे डायक का एक राज बताता है कि वो एक मर्डरर है, और ये सुनकर तो हानी काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद सेयुक उसे हग करने लगता है। हानी उसे पीछे हटाते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन भी कबाब में हड्डी यूरा उनकी हक करते हुए फोटो निकाल लेती है, और ये पता लगता है कि सेयुक और उसका प्लान था यही ये सब कुछ करने का। जिसके बाद दोस्तों हानी अपनी फ्रेंड से उसी इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो ये पता लगता है कि वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था।
लेकिन डॉयुक के भाई ने कहा कि उसे डॉयुक ने धक्का दिया था। डॉयुक को हम उसके बड़े भाई जुनडुक से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां डॉयुक को पता लगता है कि उसके भाई ने उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट सीन में जुनडुक कंपनी के एम्प्लॉयज को बताता है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की मैप थोड़ी सी चेंज की है, जिसे कि एम्प्लॉयज मानने से साफ इनकार करने लगते हैं कि तभी डॉयुक आकर सबको बोलता है कि वो कौन है और मैप में क्या क्या गलत है। सबसे पूछने पर ये पता लगता है कि कौन उसके साथ में काम कर रहा है और नेक्स्ट सीन में कोई कॉल करके सारी की सारी न्यूज डॉयुक की ग्रैंड मदर को पहुंचा देता है कि डॉयुक ने आकर कंपनी में क्या क्या किया है। ग्रैंड मदर फिर उसी टाइम पर हानी के फादर के साथ होती हैं। हानी के फादर उनसे कुछ पैसों की हेल्प मांगने के लिए आए हुए थे कि तभी हानी के ग्रैंड फादर डॉयुक की दादी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और वो फौरन उनसे मिलने पहुँच भी जाती है। हानी के दादाजी उन्हें पैसे लौटाते हुए कहते हैं कि ये जो मैंने तुमसे पैसे लिए थे मैं आज सूद समेत वापस लौटा रहा हूँ और इसके बदले मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती तुम्हारे यहाँ पर सुकून से रहे। ग्रैंड माँ भी उन्हें लेने से मना करने लग जाती हैं, बोलती हैं कि मैंने ये बहुत मेहनत से कमाए थे जो कि अब तुम्हारे हाथ लगाने से गंदे हो गए हैं, और वो वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। दादाजी उनके पैरों में गिरकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे और काम बिगड़ जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से घर आ जाती हैं और अपनी बहू से हानी का नंबर मांगती हैं। बोलती है कि मैं उसे खुद परख लूंगी। नेक्स्ट सीन में हानी अपने दादाजी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो फिर से उनसे माफी मांगते हैं। हानी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो हर बार किस चीज की माफी मांगते रहते हैं उससे, कि तभी हानी ये नोटिस करती है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, जहाँ वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैनेजर किम है। जैसे वो उससे पूछते कि वो उसका पीछा क्यों करता है, तो मैनेजर बोलता है कि क्योंकि मुझे आपकी मॉम ने कहा है। जिसके बाद हानी फिर उसे अपनी साइड होने के लिए काफी सारे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन मैनेजर ये बोलकर चला जाता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही डिसीजन है कि मैं किसके साइड में हूँगा और मैं कभी भी बदल नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हानी और डॉयुक की माँ कुकिंग क्लास में केक बना रही होती हैं। हानी का केक थोड़ा सा सॉलिड होता है और जल भी जाता है, तो फिर उसकी मदर इन लॉ फिर उसे कुछ एडवाइस देती हैं। नेक्स्ट सीन में हानी वो केक लेकर घर आती हैं, जहाँ डॉयुक आते ही खाना मांगने लग जाता है, तो हानी वो केक डस्टबिन में डालने लगती है, लेकिन डॉयुक उससे वो केक लेकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसे तो यही लग रहा था कि उसके दांत कहीं से टूट ना जाए। हानी फिर उसे केक लेकर फेंक देती है और उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए पैकेट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे उतर ही नहीं रहा था कि तभी डॉयुक पीछे से आकर उसकी हेल्प करता है, जिससे कि वही हानी की हार्ट बीट तो काफी फास्ट हो जाती है। और उसके बाद खाना खाते हुए डॉयुक हानी से ये फेक मैरिज रियल मैरिज में बदलने की बात करता है, जिससे कि हानी की हार्ट बीट तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। हानी फिर सियो की बातों को याद करने लग जाती है और डॉयुक भी सब कुछ जल्दी जल्दी करता जा रहा है, जो कि शायद बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब कुछ सोचकर हानी फिर अपनी कलाई देखती है और उसे कहती है कि नहीं, मेरे पास इसके लिए भी टाइम नहीं है। उसके बाद जून हानी को कॉल करके नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो उसे फैमिली मीटिंग में नहीं मिल पाया था। हानी मिलने के लिए हाँ भी बोल देती है। नेक्स्ट सीन में डॉयुक उदास होकर ड्रिंक किए जा रहा होता है कि तभी यूरा उसके पास आकर कहती है कि अरे वाह, आज तो हम दोनों साथ में हैं। तो डॉयुक उससे कहता है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। यूरा बोलती है कि तुमने एक रात मेरी बहन के साथ बिताई और वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, और इसलिए एक रात मेरे साथ बिता के देखो, 100% तुम्हें जरूर पसंद आऊंगी। डॉयुक बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं था। जिसके बाद यूरा फिर उस फोटो को डॉयुक के सामने रख देती है, जो कि उसने जानबूझकर हानी और सियोक को हक करते हुए ली थी। डॉयुक बोलता है कि वैसे भी मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा उसकी ही साइड रहूंगा। एक बात तुम और समझ लो, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और इसलिए तुम उससे बहुत जल्दी हो ना। ये सब कुछ सुनते ही यूरा को तो बहुत बुरा लगता है और घर जाकर बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स वो खा लेती है। जब उसकी माँ को ये बार बात मालूम चलती है तो वो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर यूरा होश में आकर अपनी माँ से कहती है कि डॉयुक ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, साथ ही बोला है कि हानी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, और ये सुनकर तो उसकी माँ को भी डॉयुक पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वो न्यूज देखती है, जहाँ पर जून और डॉयुक के बीच में हो रहे कलेश की न्यूज चल रही होती है, जिसे देखकर वो जून के पास आने का फैसला करती है। वही दूसरी तरफ जॉन डॉयुक को फोन करके कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी होने वाली वाइफ से मिल नहीं पाया था, इसलिए मैं आज उससे मिलूंगा,
वैसे तुम्हारी वाइफ कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। सोचो कि अगर वो रोएगी तो और कितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी ना। ये बोलते ही वो फोन को काट देता है। टॉय की सुनते ही फौरन से उसके घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो रास्ते में टैक्सी से उतरकर चल रहा होता है तो उसके बीच में एक ब्रिज होता है जिसे देखकर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो याद करता है कि जब उसका भाई बचपन में ऐसे ही एक ब्रिज से पानी में गिर गया था, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि प्लीज कोई आओ और मेरे भाई की हेल्प करो। खुद को वो अपने बचपन वाले रूप को अपने सामने रोते हुए देखने लग जाता है कि तभी हानि उसे देख लेती है और उसे बुला रही होती है, लेकिन वो तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं जून दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदले मेरे भाई। नेक्स्ट सीन में हानि डॉय को लेकर हॉस्पिटल आती है और जैसे ही डॉक्टर को लेकर वो वापस आती है तो डॉय वहां पर नहीं होता है। यहां वहां डॉय को ढूंढ रही होती है कि तभी डॉय उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं यहां पर हूं। हानि फिर उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉयक उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हानि डोरबेल सुनकर उठ जाती है। जब वो डोर खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक लड़की उसे कुछ कहे बिना ही घर में घुस जाती है और सीधा वो डॉयक के रूम में चली आती है। हानि को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे भाई ये कैसी मेहमान है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो उसके रूम से निकलती है तो हानि को वो बताती है कि वो डॉयक की साइकेट्रिस्ट है। साथ ही बोलती है कि उसकी 3-4 साल तक तो तबीयत सही थी और जिसके बाद से ही उसे अचानक से पैनिक डिसऑर्डर हो गया। डॉयक भी उसे घर से निकालते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है और साथ ही पेशेंट की पर्सनल डिटेल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। जिसके बाद वो हानि को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें जून से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जून फिर से हानि को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हानि फिर से इस बार उसे मिलने के लिए मना कर देती है। तो जून उसे कहता है कि मुझे डॉयक ने तुम्हें वो बात बताने के लिए मना किया है जो कि मेरे और उसके बीच में हुआ था, जिसके कारण ही आज उसकी हालत ऐसी है और उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सब को सुनते ही वो तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कारण के बीच में हुआ क्या था। नेक्स्ट सीन में दादी हानि को बुलाकर पूछती है कि एक साइड तुम्हारे पापा हेल्प मांग रहे हैं और एक तरफ मेरा पुराना क्लाइंट, तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हानि बोलती है कि आपको आपके पुराने क्लाइंट की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आप उसे पहले से जानती हैं। हम तो आपको अभी अभी मिले हैं। जिसका जवाब सुनते ही दादी जी काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दादी सभी को जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहती हैं। ये सुनते ही जून को काफी बुरा लगता है और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम हानि की माँ को दादाजी की न्यूज देता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे डॉयक की दादी से लिए थे और वो उन्होंने वापस भी कर दिए, जिसे देखते ही माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चलने लग जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हानि अपनी फैमिली डिनर पर अपनी माँ को वेडिंग कार्ड देती है, जिसे देखकर यूरा तो हंसने लग जाती है और बोलती है कि सॉरी क्योंकि उस दिन मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं तुम्हारी शादी में बुके पकड़ने के लिए नहीं आ पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ शॉयक को वेडिंग ड्रेस शॉप से कॉल आता है जहां से वो और हानि वेडिंग ड्रेस लेने वाले थे। उन्हें ये बात तो पता ही नहीं होती कि अब हानि की शादी डॉयक से हो रही है और वो तो फिर इसलिए शॉयक को ही बुला लेते हैं। शॉयक भी लास्ट टाइम पर उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। हानि और डॉयक वेडिंग ड्रेस ट्राई करने लगते हैं जहां पर डॉयक का फ्रेंड उनका वेलकम करता है। हानि को वेडिंग ड्रेस में देखकर डॉयक तो उसे देखते ही रह जाता है, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वही शॉयक भी दूर से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था और वो उनके पास आकर बोलता है कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत तो लग रही हो लेकिन खुश नहीं लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। साथ ही वो उसे बोलता है कि आखिरकार तुम दिखाना क्या चाहती हो। डॉयक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और शॉयक को रोकता है, जिसके बाद वो तो उसे बेस्ट विशेष देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हानि की माँ दादाजी और डॉयक की दादी वाली बात जून को बता देती है कि शादी के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं, जिसे सुनकर वो तो काफी हैरान हो जाता है। और उसके बाद जून फिर से हानि को मिलने के लिए कॉल करता है और इस बार हानि मान जाती है। नेक्स्ट डे फिर यूरा अपनी माँ के साथ एक लड़की और उसकी माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो ऐसे कपड़े पहनती है जिसे देखकर लड़का तो डायरेक्ट इनकार कर देता है। यूरा फिर उस लड़की को डेट करने के लिए साफ इनकार कर देती है कि वो एक प्ले बॉय है। साथ ही बोलती है कि ये तो कल एक बार में था और वो भी अपनी एक्स के साथ में, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और ये तीनों साथ में ही ड्रिंक कर रहे थे। ये सुनकर तो वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और धीरे धीरे यूरा के क्लोज आने लग जाता है कि तभी जून फिर उसे अपने स्टिक से पीछे करता है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जिसके बाद वो औरत अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और जून फिर उनसे बात करने के लिए बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हानि जून से मिलने के लिए आती है, जहां वो उसे कहने लग जाता है कि मेरी और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेम है।
जैसे ही फिरहानी उसे सच्चाई पूछती है तो जून उसे बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने मेरी दादी को इस शादी के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, जिसे सुनकर हानी भी काफी शौक हो जाती है और उठकर वहां से जाने लग जाती है। तो जून उसे रोकने लगता है कि तभी डॉयक भी वहां पर पहुंच जाता है और हानी से उसे दूर रहने के लिए कहता है। ये देखकर तो जून फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से पहले की तरह धक्का देने वाले हो। और ये सुनकर तो डॉयक फिर गुस्से में उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। और ये देखकर यूरा अपनी माँ से बोलती है कि वो तो अब हर हाल में जून से शादी करना चाहती है, क्योंकि भाई तेजा कंपनी आखिरकार जून की ही तो है और वो ही उसे जीतेगा। जिसके बाद डॉयक हानी को घर लाकर बोलता है कि जब तुम ये शादी फेक रखना चाहती हो तो मेरे पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहती हो, और अपनी लाइन को क्रॉस मत करो वरना ये शादी फेक नहीं रह जाएगी, और ये मेरी तुमसे हार्डली रिक्वेस्ट है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दादी हानी को एक लेडी के पास लेकर आती है और उनसे पूछती है कि हानी के ग्रैंडफादर की हालत आखिरकार इतनी खराब कैसे हो गई। तो वो लेडी उन्हें बताती है कि एक बार पास्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी ने उनसे कर्जा लिया था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब गई थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड ही कर लिया। और जब दादाजी उसके फ्यूनल में जाते हैं तो उसका पति उन्हें बहुत ज्यादा मारता है। ये सुनकर हानी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ से निकलने के बाद हानी को डॉयक का कॉल आता है कि वो कहाँ पर है, तो हानी उससे माफी मांगने लग जाती है और बोलती है कि वो किसी से मिलने के लिए आई है। और गाइस हम देखते हैं कि हानी अपने ग्रैंडफादर से ही मिलने के लिए आई थी, जो कि फिर उसे एक फोटो देते हैं जिसमें हानी और उसकी रियल मॉम होते हैं, जिसे देखते ही हानी को पता लग जाता है कि वो एक अनाथ नहीं है। जिसके बाद हानी के स्टेप मदर को वहां पर आता हुआ देखकर दादाजी हानी को कबर्ड में छुपा देते हैं। और उसकी माँ दादाजी से पूछती है कि आपके ऊपर इतना सारा कर्जा है, उसके बाद भी आपने शादी के लिए इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि अब आप मेरी साइड हो जाएं, क्योंकि अब मैं यूरा की शादी जून से करवाना चाहती हूँ जो कि तेजा के असली मालिक है। ये बोलते हुए वो जैसे ही कार्ड देने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, फोटो भी वहां पर उल्टी पड़ी हुई थी कि उसी टाइम पर दादाजी उसका ध्यान भटका आते हुए कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और वो फिर उनसे कंपनी के सारे शेयर्स यूरा के नाम पर करने को कहती है। और ये भी कि हानी को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि फैमिली की असली वारिस वो है। ये सुनते ही हानी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉयक भी हानी की एक स्केच बुक देख रहा होता है, जिसमें कि एक कार एक्सीडेंट का स्केच होता है, और उसे देखकर डॉयक की तबीयत फिर से बिगड़ने लग जाती है। और जिसके बाद फिर उसे उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हानी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो फौरन से पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हानी उसे कुछ बताती ही नहीं है। जैसे ही वो उसके पैर पर देखता है काफी चोट लगी हुई थी, और वो फिर उसे घर लाकर उसके पैरों को मरहम पट्टी लगा देता है। और उसके बाद वो उसको सुलाकर सारी रात उसके पास ही बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में वेडिंग डे होता है, जहाँ पर हानी रेडी शेडी होकर बैठी हुई होती है कि तभी उसकी माँ आकर उसे कहती है कि फैमिली में से बस मैं ही यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हम तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है, तो वैसे में सबकी क्या ही जरूरत है, और तुम हमेशा खुश रहना। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है कि हानी गुस्से में एक वास उठाकर उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर उसका हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है, जो कि गाइस डॉयक होता है। साथ ही उसे बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो जो भी हमने सोचा है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद हानी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है, बोलती है कि वो हानी की फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है, और यही उन्होंने अभी तक किया भी है। हानी के ये पूछते ही कि क्या जो कुछ भी होगा तुम मेरा साथ दोगे, तो डॉयक उसकी हाँ में हाँ बोलता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद दोनों फिर सबके सामने स्टेज पर आते हैं और वेडिंग के लिए एक दूसरे को विश करने लगते हैं। और अब होता है ग्रुप फोटो, जहाँ पर तभी यूरा ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस में जोरदार एंट्री मारती है, जिससे कि सब तो उसे ही देखने लगे। हानी के साथ में अपनी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर भी शेयर करती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी आपकी है। कमेंट्स पढ़कर वो तो हानी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। हानी भी फिर डॉयक का हाथ पकड़कर बोलती है कि शादी तुम्हारी नहीं मेरी है, और तुम भी अपने लिए हैंडसम सा कोई लड़का ढूंढ ही लो। वेडिंग खत्म होते ही दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ पर डॉयक ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन हानी उसे साफ इनकार कर सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे डॉयक को फ्रिज पर लगा एक नोट मिलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि हानी 2 दिन के लिए ट्रिप पर गई है।
और वहीं दूसरी तरफ हानी बीच के पास लव बर्ड्स को एंजॉय करते हुए देखकर डोहिक को याद करने लग जाती है कि तभी उसके सामने डोहिक पहुंच भी जाता है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया है और क्या कर रहा है। तो डोहिक फिर उससे बोलता है कि शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जहाँ भी तुम जाओगी जो भी तुम करोगी। हानी के ये बोलती है कि सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डोहिक बोलता है कि लेकिन मुझे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में एक बार बोट पार्टी चल रही थी, मैं और मेरा भाई साथ में खेल रहे थे और अचानक से उसका फोन गिर गया पानी में, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसके बाद फिर उसका पैर स्लिप हुआ और वो भी पानी में डूबने लग गया। और जैसे ही लोगों ने उसे बाहर निकाला तो उसने सारा का सारा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर कि मैंने उसे धक्का मारा था। डैड ने भी उसका साथ दिया, जिसमें कि उसका एक पैर भी खराब हो गया। डैड ने भी सिर्फ उसकी ही बात सुनी और मुझे एक थप्पड़ मार दिया, और जिसके बाद से ही मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और हमेशा यही ताना मार मार कर मुझे गुस्सा दिलाता रहता है, जबकि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। डोहिक बहुत ज्यादा सेंटी हो चुका था और इसलिए वो हानी को हक कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सोहिक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है कि यूरा का कॉल उसके पास में आता है, वो उसे बुलाती है, जहां वो भी बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और उसे बाहर में कोई लड़का परेशान कर रहा था। सोहिक फिर आकर उस लड़के को दूर करता है और वो लड़का सोहिक से ही लड़ने लग जाता है कि तभी यूरा फिर उस लड़के के सर पर बॉटल फोड़कर सोहिक को वहां से लेकर निकल जाती है। सोहिक काफी ब्लश कर रहा होता है और यूरा की पूछने पर वो उससे कहता है कि जब से तुमने उस लड़के को मारा है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लग गया हूं, तुम मुझे काफी कूल लग रही हो। ये सुनते ही फिर यूरा तो हंसते हुए उसके गाल पर ही किस करने लग जाती है, और जिसके बाद सियोग भी फिर उसे अपनी तरफ करके किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डोहिक और हानी भी दो दिन के लिए एक होटल रूम को बुक कर लेते हैं, जहां रात को डोहिक हानी को शावर लेने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो उसे जाने को कहती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि डोहिक कहीं उसे देख ना ले। डोहिक भी फिर समझ आता है और रिमोट से बाथरूम का ब्लर पोर्शन को चालू कर देता है, क्योंकि दोस्तों उनका बाथरूम शीशे वाला जो था, जिसमें कि आर पार सब कुछ दिखता था। थोड़ी देर बाद ही डोहिक भी नहाकर आता है तो देखता है कि हानी तो सो चुकी है, और उसके बाद वो फिर अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही सोहिक की आंख खुलती हैं तो वो अपने आप को बिना क्लोज के एक होटल रूम में देखता है, जहां पर यूरा नहाकर निकलती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलने के लिए बोलती है। ब्रेकफास्ट करते हुए सोहिक उससे पूछता है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिसे सुनते ही वो तो पानी लेने का बहाना मार के वहाँ से चली जाती है और न्यूज में देखती है कि जून ने अपनी कंपनी में कुछ किया है। नेक्स्ट सीन में हम डोहिक और हानी को पानी में मस्ती करते हुए खेलते हुए देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जब डोहिक हानी के साथ में होता है तो उसे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और रात को डोहिक हानी से ये रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसे अपने साथ बेड पर ही सोने दे, जिसके बाद फिर हानी भी ब्लैंकेट की लाइन बनाकर उनके बीच में रख देती है, जिससे कि डोहिक तो उदास ही हो जाता है, और ऐसे ही इनके बीच में खट्टे मीठे पल चलने लग जाते हैं। डोहिक के ये पूछते ही कि क्या अब तुम्हें प्यार पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो हानी उसे बोलती है कि मुझे तो अब किसी के ऊपर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। साथ ही वो उसे बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि हान फैमिली की असली वारिस कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। हानी बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है, काफी रो रही होती है और बोलती है कि उन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया और हमेशा ही मुझसे ये सारा सच छुपाया है, इसलिए मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी और नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग वापस आ रहे होते हैं कि उनकी कुकिंग टीचर कॉल करके बताती है कि जो पेंटिंग तुमने मुझसे सेल की थी ना, वैसी ही पेंटिंग किसी और के पास भी है, और वो उसे उसकी फोटो भेज देती है, जिसमें सेम पेंटिंग एक लड़की के साथ में पोस्ट की हुई होती है कि ये मुझे एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट से मिली है, जो कि सिर्फ एक ही पीस था। हानी भी समझ आती है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि उसकी मदर का ही किया धरा है। उसके बाद हानी दादाजी से मिलने के लिए चाहती है, जो कि उसे बताते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट लेडी मरी थी तो उसके बाद से ही तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी, और वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, और इसीलिए फिर मैंने तुम दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे ये मालूम चला कि तुम दोनों के घर में आग लग गई है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम जिंदा थी और तुम फिर ऐसे वापस आओगी, ये बात तुम्हें जानता ही नहीं था। हानी भी फिर ये सब को सुनकर जाते हुए बोलती है कि ये सारी बातें आप डैड को मत बताइएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं उन्हें खुद बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हानी अपनी फैमिली के यहाँ पर डिनर पर गई हुई होती है और अपने डैड से कहती है कि अब शादी में नहीं आए थे ना, और इसलिए मैं आपका हाल चाल लेने के लिए आई हूँ, जिसके बाद वो उनसे आर्ट गैलरी को अपने नाम पर करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर यूरा कहती है कि उस पर तो सिर्फ मेरा हक है।
डॉयक भी वहीं पर होता है जो कि फादर से कहता है कि हाँ अगर आप वो हानी को देते हैं तो मैं भी उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा जिसके बहुत ही महंगे दाम लगेंगे और वो विदेशों में भी बेची जाएगी। ये सब कुछ सुनकर ही डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यूरा गुस्सा होकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आकर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यूरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप तो अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए आपने मेरा बहाना लगाकर डैड से शादी की है। ये सब को सुनकर तो उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर उन्हें अपनी गलती की रियलाइजेशन होती है और वो उसके पास आती है जहाँ पर यूरा उनसे कहती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मेरी शादी आप जून से करा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ डॉयक की माँ हानी की फ्रेंड से मिलकर पूछ रही होती है कि हानी आखिरकार कैसी लड़की है, जहाँ पर उसकी दोस्त बोल रही होती कि हानी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने बचपन से ही हमेशा मेरा साथ दिया है। डॉयक को अगर कोई ठीक कर सकता है ना तो वो वही लड़की है। जैसे ही फिर डॉयक खाने को लेकर घर आता है तो उसकी माँ तो सीधा उसे अपने गले से ही लगा लेती है, साथ में उसे खाना खाने के लिए भी कहती है। जहाँ पर दोस्तों फटाक से जून भी यूरा के साथ में पहुँच आता है और बोलता है कि हम एक दूसरे के साथ में डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। जून सबको कहता है कि वो यूरा से शादी करना चाहता है और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि डॉयक ने भी उसी लड़की से शादी करी है जिसे वो प्यार करता है। जिसे सुनते ही डॉयक तो उसे लड़ने लग जाता है और ये देखकर दादी जी गुस्से में कहती हैं कि अगर लड़ना है तो अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। बाहर आकर हानी यूरा से पूछती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। यूरा उससे कहती है कि तुम जो रियल बनने की कोशिश कर रही हो ना वो तो तुम हो ही नहीं। हानी उसे सच बोलने ही वाली होती है कि हानी ही हान फैमिली की असली वारिस है, लेकिन डॉयक आकर उसे ले जाता है। यूरा भी जून के साथ अपने घर पहुंचकर बोलती है कि तुमने डॉयक से लड़कर सब कुछ खराब कर दिया है और अब तुम अपनी फैमिली को जाकर मनाओ। जून उसे कहकर चला जाता है कि वो तुम्हारा काम है। नेक्स्ट डे हानी की माँ को मैनेजर से पता लग जाता है कि उनकी गैलरी पिछले महीने के मुताबिक लॉस में जा रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पर तभी हानी कुछ रिपोर्टर्स के साथ पहुँच जाती है और सभी रिपोर्टर्स माँ से पूछने लग जाते हैं कि आपने अपनी बेटी को अननोन आर्टिस्ट के नाम से फेमस किया है, तो ये सब कुछ करके आपको कैसा लग रहा है। हानी बोलती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने मुझे फेमस किया है, और लेकिन माँ तो कुछ बोलती ही नहीं है क्योंकि उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि उनका भी प्रमोशन हो रहा है। वेल तो फिर इसके बाद माँ हानी से पूछती है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट के लिए ये गैलरी चाहिए तो तुम ले सकती हो, लेकिन फिर हानी बोलती है कि नहीं नहीं मुझे गैलरी नहीं बल्कि इस गैलरी का एक फेमस आर्ट पीस चाहिए, और माँ को ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हानी अपने डैड को जाकर फैमिली डिनर पर हुई सारी बातें बताते हुए कहती है कि जून एक अच्छा इंसान नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यूरा से बात करें। ये बोलते हुए वो उनकी मसाज करने लग जाती है जिससे कि वो डीएनए टेस्ट के लिए उनके बाल ले सके और वो बाल लेने में कामयाब भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फादर माँ से बात करते हैं कि यूरा की शादी जून से नहीं हो सकती है, तेजा ग्रुप ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये सुनकर माँ तो दादाजी के पास जाती है जहाँ फिर उसे एक नोट से पता लगता है कि वो तो वहाँ से चले गए हैं। नोट पढ़ने के बाद वो फिर उस लेडी के पास जाती है जहाँ हानी और डॉयक की दादी गई हुई थी, और वो फिर उसे पैसों का लालच देकर ये पता लगा लेती है कि दादाजी तो नहीं लेकिन हानी और दादी वहाँ पर आई थी। वहाँ से बाहर निकलकर माँ फिर एक बार फिर से नोट पढ़ती है जिसे उन्हें ये पता लगता है कि ये राइटिंग तो हानी की है, यानी कि दादाजी और वो दोनों मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दादाजी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होकर किसी को कॉल करके अपने शेयर हानी के नाम पर करवा रहे होते हैं। वहीं यूरा जब घर आती है तो वो माँ को बताती है कि हानी ने उस दिन ये बोला था कि वो फेक नहीं बल्कि रियल है, जैसे कि वही रियल वारिस हो, और ये सुनकर तो माँ और मैनेजर किम काफी शॉक हो जाते हैं। मैनेजर फिर हानी को मिलकर बता देते हैं कि माँ को तो तुम पर शक हो गया था और फिर इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, और साथ ही बोलता है कि मैं भी उस मेड को ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हारे खाने में जहर मिलाते हुए देखा था, क्योंकि उसके बाद ही उसे बाहर निकाल दिया गया था। ये सुनकर तो हानी उसे कहती है कि ठीक है मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको दादाजी का ध्यान रखना होगा, और फिर वो उसे आर्ट पीस देती है क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ सीओ खाने से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन घर पर उसके ना होने का मौका पाकर वो सीधा अंदर घुस जाता है जहाँ उसके रूम में चेक करने पर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉयक और हानी साथ में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर हानी उसे बताती है की
माँ को तो मुझ पर शक ही हो गया था, लेकिन मैं फाइट करूंगी और तुम अपने भाई का क्या करोगे? क्या तुम तेजा ग्रुप में वापस नहीं जाना चाहते? और ये सुनकर तो वो फिर अपने बचपन की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी दादी जब कंस्ट्रक्शन साइट पर थी तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं भी तेजा ग्रुप में काम कर सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है हाँ, ये ग्रुप तुम्हारा ही है। और फिर प्रेजेंट में वो हानी का हाथ पकड़ कर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे सेयोक ऑफिस के बाहर हानी से मिलता है, जो कि डॉयक को लेने के लिए आई हुई थी, और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम क्या सच में उसे प्यार करती हो या फिर ये सब कुछ एक नाटक है। तो हानी उसे बोल देती है कि हाँ, मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। जहाँ पर तभी डॉयक भी पहुँच आता है और बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर तुमने उसे दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सेयोक को तो ये सब कुछ सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। डॉयक और हानी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वहां पर युरा अर्जुन पहले से बैठे हुए होते हैं। डॉयक की माँ फिर एक पेपर दिखाकर उसे पूछती है कि मुझे पता चल गया कि तुम लोग की शादी फेक है, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? यानी कि अब सबको पता लग चुका था कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जून फिर सबसे कहने लग जाता है कि इसने सबका दिल जीता और फिर धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ किया। सचाने के बाद दादी की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। इसके बाद उन्हें एक रूम में लेकर जाया जाता है, जहां बाहर खड़े होकर हनी, डॉयक और जून यूरा में लड़ाई होने लग जाती है। डॉयक अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो उसकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। दादी के होश आने पर वो माँ से कहती है कि मैंने तो सोचा था कि अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो शायद खुश रहेंगे, लेकिन ये तो दुश्मन ही बन चुके हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट डे यूरा सेयोक की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और उसके फोन से हानी के अगेंस्ट एक आर्टिकल भी पोस्ट करवा देती है, जिसमें हानी और सेयोक की फोटो साथ में लिखा होता है कि ये लड़की तो बस पैसों और लड़कों के पीछे ही भागती है, और तो और इसने एक अमीर बंदे के लिए मेरे भाई को छोड़ दिया। धीरे धीरे करके ये न्यूज सब जगह फैल जाती है और सब उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। डॉयक अपने सेक्रेटरी और एक एम्प्लॉय के साथ में बैठा हुआ होता है, तभी उसे मैनेजर किम कॉल करके कुछ बताते हैं, और वो क्या बात है दोस्तों, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हानी की कुकिंग क्लासेस में डॉयक की माँ की एक लेडी से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल के बाद वो हानी की बुराइयां उनके सामने ही कर रही थी। जहाँ पर तभी हानी बीच में आती है तो वो लेडी उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन हानी भी पीछे नहीं रहती और वो तो उल्टा ही उन्हें थप्पड़ जड़ देती है और अपनी मदर इन लॉ से माफी मांगने के लिए कहती है, और उस क्लास की टीचर आकर फिर उस लेडी को ही बाहर निकाल देती है। जिसके बाद माँ भी हानी से बोल रही होती है कि ये सब कुछ करके तुम मेरा दिल नहीं जीत पाओगी, तुमने तो कहा था कि तुम डॉयक को तेजक रूप में वापस लेकर आओगी, लेकिन तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अकॉर्डिंग तो तुम एक साल बाद उसे छोड़ने वाली हो। जिसके बाद डॉयक आकर अपनी माँ को बताता है कि उसकी फैमिली उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने तो उसके खाने में जहर भी मिला दिया था। वीडियो प्ले करके भी वो उन्हें दिखाता है, जिसमें सेयोक की माँ हानी से लड़ रही होती है, तो वो बताता है कि हानी की फैमिली उसे बर्बाद करने में लगी हुई है, तो प्लीज आप हम दोनों की हेल्प कीजिए। डॉयक की माँ तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और हानी से बात करने का फैसला कर लेती है। नेक्स्ट डे डॉयक की माँ हानी की माँ से कहती है कि अब हमें बच्चों को अलग अलग कर देना चाहिए। ये सुनकर तो उनको लगता है कि डॉयक और हानी की डाइवोर्स की बात वो कर ली है, इसलिए काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं जून और यूरा की बात कर रही हूँ, हानी और डॉयक ने तो किसी कारण से ही ये सब कुछ किया होगा, और वैसे भी मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे और हानी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें वो 6 महीने के अंदर डॉयक को तेजक ग्रुप में वापस लेकर आएगी। नेक्स्ट सीन में हानी की माँ सारी बात जून को जाकर बता देती है, जो कि यूरा के साथ में क्लब में बैठा हुआ होता है। यूरा उससे कहती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत ज्यादा पहुंची हुई है। जून बोलता है कि ये सब को सोचना तुम्हारा काम है कि तुम हानी को आखिरकार कैसे नीचे गिराओगी। जिसके बाद हम सेयोक की सिस्टर को वो आर्टिकल के कमेंट पढ़ते हुए देखते हैं, जहां वो यूरा को कॉल करके बताती है कि एक लड़की ने ये कमेंट किया है कि हानी स्कूल टाइम से ही ऐसी है, और फिर ये सुनकर यूरा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। जैसे ही वो वहां से उठ के जा रही होती है तो सेयोक उसे रोक कर ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है कि हानी ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन यूरा तो मानती ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में डॉयक और उसकी फैमिली डिनर पर होते हैं, जहां पर जून उसकी माँ से पूछता है कि आपने हानी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्या आप मुझे यहाँ का ओनर नहीं बनते देखना चाहती? आपको तो सिर्फ अपना बेटा ही प्यारा है, जिसने मुझे धक्का दिया था और उसकी वजह से ही आज मेरी एक टांग खराब हो गई है।
डॉयक भी फिर उसी टाइम पर फोन निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहता है कि इसमें उस टाइम की सारी वीडियो है जब तुम पानी में स्लिप होकर गिर गए थे और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब सच भी सबके सामने आ जाएगा। और ये सुनते ही तो जून काफी घबरा जाता है कि तभी माँ बोलती है कि मुझे पहले ही ये वीडियो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने सब कुछ छुपा कर रखा ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ और सिर्फ अपने बेटे की ही साइड ले रही हूँ, और अगर उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो देखूँ तो मैं जरूर देखूंगी। घबरा कर जून तो उसे देखने के लिए मना करने लग जाता है, जहाँ पर तभी दादी गुस्से में फोन लेकर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उन्हें अपने रूम में बुलाकर कहती है कि डॉयक तुम कंपनी को वापस से ज्वाइन कर लो और साथ में काम करो, जिसके बाद ही फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि आखिरकार कंपनी किसे मिलनी चाहिए। दोनों ही फिर इस बात पे अग्री हो जाते हैं, जिसके बाद जून हानी की माँ को कॉल करके सारी बातें बताते हुए कहता है कि हमें मिलकर अब डॉयुक की इमेज को डाउन करना ही होगा। उसके बाद डॉयुक घर पहुँच कर देखता है कि हानी पेंटिंग कर रही होती है, उसने खाना नहीं खाया होता है और वो उसे हक कर लेता है, साथ ही उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि तुम मेरी वजह से ही पहले खाना नहीं खा पाती हो। वेल तो फिर नेक्स्ट डे डॉयुक से एक को बुला कर उसे दिखाता है कि कैसे वो घर में घुसा और उसने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लिए और उसकी बहन कैसे हानी को बदनाम कर रही है, साथ ही वो उसे धमकी देने लग जाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे और उसकी बहन को जेल में डलवा देगा। सीओ को उसे थोड़ा टाइम मांगता है तो डॉयुक ठीक है बोलकर उसे टाइम दे देता है, जिसके बाद हम हानी और उसकी कुकिंग टीचर को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं जो कि उसकी टीचर ने उसके लिए बनाया था। हानी को उसके हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद था और वो उनसे कहती है कि अब से वो क्लासेस नहीं लेगी तो क्या वो उसे आखिरी बार खाना बनाना सिखा सकती है, जिसके लिए फिर उसकी टीचर भी अग्री हो जाती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर हानी उनके हाथ में एक जलने का निशान देखती है। नेक्स्ट सीन में हानी घर आकर दादी के लिए खाना बनाती है और उनसे कहती है कि अगर अच्छा ना बना हो तो मुझे माफ करना, दरअसल जब से मेरे खाने में जहर मिलाया गया है तो मुझे खाने से डर लगने लगा है और इसलिए मैं कुकिंग भी नहीं करती हूँ। दादी को लेकिन खाना काफी अच्छा लगता है और वो हानी के लिए काफी बुरा फील भी कर रही थी। दादी के ये पूछते ही कि तुम क्या डॉयक से सच में प्यार करती हो तो हानी हाँ बोलती है। दादी को फिर याद आता है कि जब उन्होंने डॉयक से पूछा था कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की, डॉयक ने उन्हें बताया था क्योंकि मुझे आज तक घर जैसा फील कहीं हुआ ही नहीं था, लेकिन जब से मैंने हानी को देखा है उसके साथ में रहा हूँ मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे घर मिल गया। और दादी जी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है कि उसे उसका घर मिल गया है। नेक्स्ट डे हम मैनेजर किम और हानी को साथ में देखते हैं जो कि उसी मेड से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। हानी और वो मेड फिर एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हारे खाने में जहर तुम्हारी माँ ने ही मिलाया था और घर से निकलने के बाद जब मैं एक दिन तुमसे मिलने के लिए आई थी तब तुम्हारी माँ के डर से मैं एक कबर्ड में छुप गई थी, जहाँ पर मैंने उसे किसी आदमी से ये कहते हुए सुना था कि अब तुम क्या लेने के लिए आए हो। नेक्स्ट सीन में हानी दादाजी से मिलकर उन्हें सब कुछ बताते हुए पूछती है कि उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कैसे मिली थी, तो दादाजी बताते हैं कि वो तुम्हारे डैड की सेक्रेटरी थी और जब तुम्हारी माँ से उनका ब्रेकअप हुआ था तो उसने मौका पाकर तुम्हारे डैड के दिल में अपनी जगह बना ली, और उसके बाद वो फिर उसे एक फोटो एल्बम भी दिखाते हैं जिसके लास्ट पेज पर एक पेपर कटिंग होती है जिसमें लिखा हुआ था कि इस आदमी की सिगरेट की वजह से एक घर में आग लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ सहयोग डॉयक के पास आकर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपनी बहन से बोलकर सारी पोस्ट डिलीट करवा दी है, और फिर डॉयक यूरा के बारे में पूछता है तो सहयोग उसे बताता है कि इसमें यूरा का कोई हाथ ही नहीं है। और ये सुनकर तो डॉयक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यूरा से काफी प्यार करते हो, लेकिन भाई वो तो किसी और के साथ ही घूम रही है। और ये जानने के बाद तो सहयोग भागकर यूरा से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ यूरा कहीं जा रही होती है वो उसका पीछा करता है। यूरा भी एक रेस्टोरेंट में जून का वेट कर रही होती है कि तभी जून आकर उसे पूछता है कि वो क्या खाएगी, तो यूरा कहती है कि जो भी आपका मन हो वो मंगा लो क्योंकि अब हमारी शादी जो होने वाली है और इसीलिए हमें अब एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा, ये बात से पीछे खड़े होकर सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉयो की बहन ने सेयोग की बहन और उस कमेंट वाली लड़की के खिलाफ रिपोर्ट करा दी थी, जिसमें दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। सेयोग हेल्प के लिए यूरा को कॉल करता है, लेकिन वो हेल्प से साफ इनकार कर देती है कि ये सब तो उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं और वो इसे खुद सॉल्व करे, जहाँ पर तभी हानी वहाँ पहुँच जाती है। सेयोग तो उसके पैर में पड़कर माफी मांगने लग जाता है और इसे कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन हानी भी उसे माफ नहीं करती है।
और वहीं डॉयक और जून कंपनी की बोर्ड मीटिंग में होते हैं, जहां डॉयक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कि तभी जून सबके सामने आर्टिकल की बात करने लगता है ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो। लेकिन तभी डॉयक सबको वो आर्टिकल फिर से पढ़ने के लिए कहता है जिसमें सेओक ने एडमिट कर लिया था कि सारी की सारी गलती उसकी ही है और उसने यूरा को पाने के लिए ही सब कुछ किया था। यूरा भी जून की वाइफ पढ़ने वाली है, जिसे सुनकर जून को काफी बुरा लगता है। और उसके बाद डॉयक सबको काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हानी अपनी मदर इन लॉ के साथ में अपने डैड की कंपनी में उसे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर यूरा उसकी माँ भी होते हैं। डॉयक की माँ यूरा से कहती है कि तुम हमारी बहू के बारे में ऐसे आर्टिकल कैसे निकलवा सकती हो, जहाँ पर यूरा और उसकी माँ हानी से माफी मांगने की नौटंकी करने लग जाते हैं कि तभी डैड का सेक्रेटरी उन्हें आकर बताता है कि अपनी कंपनी लॉस में जा रही है। जहाँ पर डैड हानी से पूछने लग जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि कंपनी में प्रॉफिट होगा, और ये बोलते ही उनकी तबीयत ही खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर देखते ही देखते मॉम तो उन्हें कोई दवा ही देने लग जाती हैं। और साथ ही हानी की काफी बुराई करते हुए उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें दादाजी डॉय की दादी से पैसे दे रहे होते हैं, जहाँ पर दादाजी डॉयक की दादी को पैसे दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी का लॉयर उन्हें बताता है कि शेयर को क्लेम करने के लिए आपकी बहू ने एक इच्छा जाहिर की है, जिससे कि दोस्तों ये पता लगता है कि उन्होंने तो लॉयर को खरीद लिया है। नेक्स्ट सीन में हानी की माँ कंपनी की बॉस बन जाती है और सबको कहती है कि अब वही यहाँ की बॉस रहेगी, जिसे सुनकर सब काफी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद दादाजी सारी बातें हानी को बताते हैं कि तभी हानी दोबारा से उस न्यूज़पेपर कटिंग वाले आदमी की फोटो क्लिक करके अपनी उसी मेट को भेजती है, जिससे ये पता लगता है कि ये तो वही आदमी है जिससे कि उसकी माँ अक्सर मिलती थी और उसी ने हानी और उसकी माँ को मरवाया था। ये सब कुछ जानकर हानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिससे कि वो तो बेहोश ही हो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो डॉयक उसके सामने बैठा हुआ होता है, उसे कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ में पास्ट लाइफ में हुआ है वो तो तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी, और इसलिए जाओ अपने डैड को बताओ कि तुम कौन हो और उनसे जवाब मांगो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। हानी फिर अपने डैड से बात करने के लिए पहुंच जाती है और उन्हें अपनी स्टेप मदर की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। ये सुनकर तो उनको उस पर यकीन ही नहीं होता है और वो फिर उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस पर भरोसा ही नहीं था। हानी फिर उन्हें अपना एक बाल तोड़कर देते हुए कहती है ये लो आप और खुद ही हमारा डीएनए टेस्ट करवा के देख लो कि हम दोनों रियल बाप बेटी हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम डॉयक से हाथ मिला लेते हैं। डॉयक उन्हें पैसे देता है कि वो जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढे जिसने हानी के घर में आग लगाई थी। नेक्स्ट सीन में हानी की माँ ने डैड को घर पर शिफ्ट करवा दिया था और कंपनी पर भी पूरा कंट्रोल करके गैलरी यूरा को संभालने के लिए दे दी थी, जिसके बाद सॉइक यूरा से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो जॉब छोड़ रहा है। साथ ही उसे बोलता है कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है, रोक दो वरना तुम्हारा हाल मेरे जैसा ही होगा। और ये कहकर वो जाने लग जाता है तो यूरा को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लग जाती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाऊंगी, देख लेना, जहाँ पर तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी पहुँच नहीं सकते हो। वेल तो फिर नेक्स्ट डे सॉइक अपना रेजिग्नेशन लेटर डॉयक को देता है, जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर डॉयक के सिस्टर, उसका हस्बैंड, हानी की फ्रेंड और डॉयक का बेस्ट फ्रेंड सबके सब डॉयक के घर में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर डोना हानी को हान कंपनी के शेयर्स की डिटेल्स देती है। नेक्स्ट डे जब डॉयक ऑफिस आता है तो हानी उसे छोड़ने के लिए आती है, जहाँ वो उसे एक प्यारी सी चिक किस देता है। वहीं दूसरी तरफ वो आग लगाने वाला आदमी भी जेल से छूट जाता है। डॉयक उसे मिलकर उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो आग वाला एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ था या फिर तुम्हें जान पूछ कर लगाई थी, लेकिन वो तो उसे कुछ बताता ही नहीं है। यहाँ पर हानी को भी पता लग जाता है कि शेयर लिस्ट में उसकी कुकिंग टीचर का भी नाम है, जिसे देखकर वो काफी शौक हो जाती है और सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंचती है। उनसे पूछती है कि आखिरकार आप मेरी आज हेल्प क्यों करना चाहती हैं, क्या आप मेरी माँ हैं। ये सुनते ही वो उसे बताती है कि हाँ मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी साइड थी और जब मैं उस फायर एक्सीडेंट से बच गई थी तो मुझे ये पता लगा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन जब मैं अब्रॉड से वापस आई तो मेरे डैड ने बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। और ये सुनकर तो हानी जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि माँ मुझे अपनी स्टेप मदर को हर हाल में हराना ही होगा, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। और ये सारी बातें उसकी स्टेप माँ भी सुन लेती है, जो कि दोस्तों उस टीचर से मिलने के लिए आई हुई थी ताकि वो उसे अपनी साइड कर ले। ये सब को सुनकर तो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाती है कि जिस माँ बेटी को वो मारना चाहती थी वो तो अभी भी जिंदा है।
जिसके बाद स्टेप मॉम तो दादाजी को किडनैप करके उनके सारे शेयर अपने नाम करने को कहती हैं, लेकिन दादाजी तो साफ इनकार करने लग जाते हैं। वहां से निकलते टाइम वो आदमी उनसे मिलने के लिए आता है जहाँ दोस्त को ये पता लगता है कि वो तो उसका पुराना आशिक है। साथ ही वो उसको बताती है कि हानी और उसकी माँ भी जिंदा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हानी को मार डालो। नेक्स्ट डे स्टेप मॉम डैड से मिलकर कंपनी कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है जहाँ पर आज वोटिंग करके मैनेजिंग डायरेक्टर चुना जाना था। जहाँ पर तभी हानी की माँ खड़ी होकर उसका विरोध करती है कि स्टेप मॉम डायरेक्टर नहीं बननी चाहिए। हानी भी उन्हें सपोर्ट करने में खड़ी हो जाती है तो गार्ड उन्हें बाहर निकालने लग जाते हैं कि जहाँ पर तभी डायक भी पहुंच जाता है और दोस्त तभी एंट्री होती है दादाजी और मैनेजर किम की। दादाजी बोलते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डर होने के नाते मैं इसके खिलाफ हूँ। स्टेप मॉम तो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है। दादाजी फिर अपने सारे शेयर हानी के नाम पे कर हानी को ही डायरेक्टर बना देते हैं। स्टेप मॉम फिर सबको उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है, लेकिन हानी सबको बताती है कि कैसे उसके स्टेप मॉम ने इस कंपनी को लूटा है, लेकिन मैं अब सब कुछ सही करके इस कंपनी को अच्छे से चलाऊंगी। ये सुनकर फिर सब लोग हानी का ही सपोर्ट करने लगते हैं। ये देखकर स्टेप मॉम फिर वापस घर पहुंच जाती है और वहीं दूसरी तरफ हानी की मॉम डॉयक से बोलकर चली जाती है कि मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करते रहना। हानी भी अब दादाजी के साथ में घर पहुंचती है जहां उसके स्टेप मदर डैड को कहती है कि आपके डैड ने सारे के सारे शेयर्स हानी के नाम पे कर दिए हैं और ये लोग कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी असली बेटी नहीं है, बस बनने की कोशिश कर रही है। तो डैड उसके सामने रिपोर्ट फेंकते हुए कहते हैं कि वो मेरी असली बेटी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि पहले से ही है। ये बात सुनकर यूरा बाहर आकर उसे पूछती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो हानी बताती है कि ये सच है, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर डैड के पास आई थी और उन्होंने शादी की थी। सब कुछ सच जाने के बाद डैड तो मॉम के ऊपर ही चाय फेंकते हुए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी खासी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। वहां से निकलने के बाद स्टेप मॉम एक होटल में जाती हैं जहां उन्हें ये पता लगता है कि उनके सारे के सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इसलिए वो फिर से उसी अपने पुराने आशिक के पास पहुंच जाती हैं जहां वो उसे रुकने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉयक उसका पीछा कर रहा होता है जहां पर एक आदमी से वो मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसने हानी को मारकर 3 मिलियन देने के लिए उसे कहा है। डॉयक फिर उसे एक वायर टैप देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। नेक्स्ट डे जून यूरा से मिलता है और उसे गैलरी की सारी पेंटिंग्स को बेचने के लिए बोलता है जिससे कि उनके मुश्किल टाइम में उन्हें पैसे मिल सके। और वहीं डॉयक हानी से बोलता है कि क्या हम अपनी वेडिंग रजिस्टर करवा लें क्योंकि मैं अपना सारा टाइम सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो हानी भी इसके लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद डॉयक उसे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बेबीज चाहिए जिनके लिए मैं हमेशा टाइम निकाल लूंगा। और ये सुनकर तो हानी थोड़ी शर्मा जाती है और खुश भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूरा को खाना खाते हुए वॉमिट आने लग जाती है। जब वो चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जाकर वो अपनी मॉम को बताती है जो कि फिर उसे ये आइडिया देने लग जाती है कि वो इस बच्चे का बहाना बनाकर जून को फंसा सकती है। नेक्स्ट डे फिर डॉयक हानी और मैनेजर किम स्टेप मॉम और उस आदमी की बातें वायर टेप के जरिए सुन रहे होते हैं जिससे कैसे पता लगता है कि गैलरी की सारी पेंटिंग्स फेक हैं और उन्होंने सारी पेंटिंग्स कहीं छुपा रखी हैं। हानी फिर मैनेजर किम से वो सेंटर पीस चेक करवाने के लिए कहती है कि वो तो असली है या नकली। और वहीं दूसरी तरफ यूरा अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज जून को देती है जिसे सुनकर वो तो उसे हक करते हुए कहता है कि अब हमारी भी अपनी फैमिली होगी। जून फिर अपने डैड से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके डैड तो साफ इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हारी दादी बिल्कुल नहीं मानेंगी। नेक्स्ट सीन में दादाजी यूरा को बता देते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बुरी है और उन्होंने हानी और उसकी माँ को जलाकर मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद जब यूरा गैलरी में होती है तब हानी वहाँ पर पुलिस के साथ पहुँच आती है और उसको बताती है कि सारी पेंटिंग्स फेक हैं। और यूरा फिर अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताती है, उनसे पूछती है कि क्या आपने सब कुछ किया है। ये सुनते ही स्टेप मदर तो वहाँ से भागने लग जाती हैं और उस आदमी के साथ जाकर कार में बैठ जाती हैं कि तभी डॉयक और हानी उनकी बातें सुनते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि स्टेप मॉम ने सारी रियल पेंटिंग नर्सिंग होम में छुपा कर रखी हैं जहाँ पर दादाजी एडमिट थे। हानी फिर मैनेजर किम के साथ में वहाँ पर पहुँचती है कि तभी स्टेप मॉम भी उस आदमी के साथ पहुँच जाती है और हानी को देख कर उसे कार से उड़ाने के लिए कहती है। वो आदमी भी फिर फुल स्पीड में कार हानी की तरफ बढ़ाने लग जाता है कि तभी डॉयक अपनी कार बीच में ले आता है और उनकी कार को ब्लॉक कर देता है और कार से उतर कर हानी को जाकर सीधा हक कर लेता है। बोलता है कि मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें दोबारा खो दूंगा। और ये सुनकर तो हानी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, दोबारा से उसका क्या मतलब था।
वेल तो फिर स्टेप मॉम और उस आदमी को आकर पुलिस अपने साथ ले जाती है, जहां वो आदमी मॉम के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देता है और मैनेजर किम भी आकर सारे के सारे उसके काले चिट्ठी खोल देता है, जहां पर कैसे हमें ये पता लगता है कि वो जिस पेंटर की नकली पेंटिंग बेचती थी ना, मैनेजर किम तो उनके ही बेटे थे और इसलिए वो अब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जब हानी और डॉइक घर आते हैं तो डॉइक से पानी का ग्लास टूट जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो उसकी उंगली में चोट लग जाती है। जब हानी उसका हाथ देखती है तो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर भी डेट लिखी है, यानी कि दोस्तों वो भी अब एक साल पहले टाइम ट्रेवल करके आया है। वो हानी उससे पूछती है कि ये सारी बातें उसने उसे क्यों छुपाई, तो डॉइक बताता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी कार पहले मेरी कार से ही टकराई थी और मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मेरी डेथ हो गई और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें वापस जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम तो भाई खुद मेरे पास आ गई और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई। ये सब को सुनकर हानी फिर अपना सामान लेकर जाने लग जाती है तो उसे रोकता है और खुद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर डॉइक को कंपनी से ये पता लगता है कि जून की गलती की वजह से वहाँ पर एक एम्प्लॉय की जान चली गई है और तो और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है, लेकिन जून उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जिसके बाद डॉइक जून की सेक्रेटरी से उस एम्प्लॉय के कुछ पेपर्स निकलवाता है और दादी और अपने डैड को बताता है कि इस पेपर पर लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। लेकिन 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 उस पेपर पे उसके साइन तो नकली थे। डॉइक फिर एक पेनड्राइव देते हुए उन्हें कहता है कि इसमें जून के खिलाफ सारे सबूत हैं कि उसने कंपनी को कैसे लूटा है, और ये सब कुछ देखकर तो ग्रैंडमा सबको मीटिंग में बुला लेती हैं कि ये सारी की सारी गलती हमारी ही थी और पुलिस भी जून को पकड़ कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉइक हानी को कॉल करके उसे अपने रूम जाकर चेक करने को कहता है कि वहाँ उसने उसके लिए गिफ्ट रखा है। जैसे ही हानी पहुँच कर चेक करती है तो उसे वहाँ पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग मिल जाती है, जो दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे वो काफी समय से ढूंढ रही थी। घर आकर डॉइक गिफ्ट के बारे में पूछता है तो हानी उससे पूछती है कि लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से। डॉइक उसे बताता है कि जैसे ये पेंटिंग मुझे मिली थी तो मैंने उसे तुरंत खरीद लिया था, जिसके बाद ही मुझे ये पता लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है और इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें हमेशा दूर से ही देखा करता था, लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव करती है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए मैं कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, और जब फिर मैं यहाँ पर आया तो फिर उसी टाइम पर तुम भी मेरे पास आ गई, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था पहले से ही। और उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में किस हो जाती है और काफी क्लोज हो जाते हैं, इनका तो रोमांस ही स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे डॉइक और हानी शामन के पास जाकर सब कुछ बताते हैं कि हम टाइम ट्रैवल करके पीछे आए हैं, हम ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। तो शामन फिर उन्हें बताती है कि ये कब और कैसे खत्म होगा ये तो वो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे पास जितना भी टाइम है तुम उसे एंजॉय करो। 7 महीने बाद फिर हानी प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉइक सुनकर काफी खुश हो जाता है, सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी स्कूल जा रही है। जिसके बाद दोस्तों डॉइक का सेक्रेटरी उसे मिलकर उसे बताता है कि जून ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है। जब से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है तो वो वहां से भी भाग गया है, और ये सुनकर तो डॉइक दोबारा से घबराकर घर पहुंचता है और देखता है कि हानी तो वहां पर है ही नहीं। सेक्रेटरी के सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उसे ये पता लगता है कि एक लड़के ने उसे किडनैप कर लिया है, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही वो उसका मास्क उतारता है तो उसे पता लगता है कि वो तो जून है। सेक्रेटरी फिर कॉल करके फटाक से डॉइक को बताता है कि वो जून है और उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉइक भी वहाँ पर हानी का मोबाइल ट्रैक करके जून का पीछा करने लग जाता है। वो देखता है कि आज दोस्तों वही टाइम और डेट है जब हानी और वो मर गए थे। डॉइक को बहुत ज्यादा डर था कि आज तो कुछ भी हो सकता है, और साथ ही वो बोलता है कि आज वो हानी को कुछ नहीं होने देगा, वो उसे बचा ही लेगा। और वही हानी भी खुद को छुड़ाकर जून का गला पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जून उसे मार के फिर से बेहोश कर देता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। डॉइक भी वहां पर तभी पहुंच जाता है, उसे लड़ने लग जाता है, जहां पे फाइट में डॉइक को जून चाकू मार देता है। लेकिन 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 तब तक हानी को होश आ जाता है और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और जून को पकड़ कर ले जाती है। हानी भी डॉइक को देख कर काफी रोने लग जाती है और ये नोटिस करती है कि उसके हाथ से वो डेट मिट गई थी। जिसके बाद दोस्तों फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और वहीं जून के डैड उसे जेल में मिलने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जून उन्हें बताता है कि क्योंकि आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था और डॉइक और उसकी माँ को आप ले आए थे, जिसके बाद ही आपने मुझे प्यार करना भी बंद कर दिया था और इसीलिए मैंने एक टांग खराब होने का नाटक किया। और ये सबको सुनकर डैड भी उसे एक पेपर देकर चले जाते हैं। जैसे ही फिर जून वो पेपर पढ़ता है तो काफी रोने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लेटर उसकी माँ का था जिसमें लिखा हुआ था कि
मुझे तुमसे एक बहुत ही अच्छा आदमी मिल गया है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और साथ ही में जून को भी तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, उसका क्या करना है तुम खुद देख लेना। कल तो फिर नेक्स्ट सीन में यूरा अपना सामान लेकर जून के घर पहुंच जाती है कि इसकी जिम्मेदारी अब आप लोगों को ही लेनी चाहिए। जहाँ पर तभी दादी कहती है कि ठीक है, लेकिन हम उससे पहले एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहेंगे कि ये जून का बेबी है भी या नहीं। ये सुनकर यूरा घबरा जाती है और वहीं हानी के डैड माँ से माफी मांगने लग जाते हैं। यहाँ पर डॉयक को भी सर्जरी के बाद होश आ जाता है। हानी उसे हग कर लेती है, फिर डॉयक को घर ले आती है और वहीं सेओक की फैमिली एक लड़की का वेलकम कर रही होती है जो कि काफी अमीर थी। वो तो काफी खुश हो रही थी कि तभी यूरान के घर पहुंच जाती है कि अब से मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये बच्चा सेओक का है, जिसे सुनते ही सब तो काफी शौक हो जाते हैं। यहाँ तो भाई पूरी बात ही पलट गई। वेल तो फिर नेक्स्ट डॉय की न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर तेजा कंपनी का प्रेसिडेंट उसे बना दिया गया था और वहीं हानी हान कंपनी को संभाल रही होती है, जिसके बाद डॉय और हानी अपनी मैरिज रजिस्टर भी करवा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, एक साल बाद दिखाया जाता है कि हानी अपनी नन्नी से क्यूट सी बेटी के साथ में बैठी हुई होती है और डॉय फैमिली फोटो लेने के लिए कैमरा सेट कर रहा होता है और अब इनकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है जो कि काफी प्यारी और क्यूट थी। जिसके बाद हानी अपनी फैमिली की पेंटिंग बनाती है जिसे डॉय घर में लगवा देता है और इसी के साथ दोस्तों इस ड्रामा की काफी अच्छी वाली हैप्पी एंडिंग हो जाती है जो कि मुझे तो काफी पसंद आई। और अगर आपको भी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जिनके भी कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ, तो इसलिए आप प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही आप नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना चाहते हो ये भी मुझे बता सकते हो, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।